हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मूविंग कैसे मारा जाता है, मूविंग करते समय कितना टंगस्टन बड़ा रखना चाहिए, कितना में गैस खोलना है, ठीक है, टॉर्च को कैसे पकड़ना है, तो सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू में एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो इस वीडियो में हम क्या समझाना चाहते हैं, कैसे किया जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको देखिए, सबसे पहले ये जो नोजल है इसको प्रॉपरली टाइट होना चाहिए, अगर लूज रहेगा तो आपको टॉर्च जो है स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। और इसको पकड़ने का जो सही तरीका है, आप लोग देखा हैंड टच करते हैं तो क्या, उंगली का पहले एक उंगली हम लोग टच करते हैं, फिर ऐसे ऐसे मारते हैं तो उसके हैंड टच कहते हैं, ठीक है। तो अभी आज हम इस वीडियो में हैंड टच नहीं दिखाएंगे, ऑलरेडी पहले इसका वीडियो बना हुआ है। तो आज हम आपको दिखाएंगे मूविंग कैसे मारा जाता था। तो आपको देखिए, सबसे पहले टॉर्च को ना ऐसे पकड़ना है, टॉर्च को ऐसे थोड़ा लपट लीजिएगा, नहीं तो ये ऐसा ऐसा होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो टॉर्च को ऐसे पहले रख दीजिए हाथ में, उसके बाद में इसको हम तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप मूविंग मारते हैं तो एक चीज का आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये आप हम इसमें जो मार रहा है, ये आपका जो है देख सकते हैं, पर 24-13 का इसमें हम नोजल को लिए हैं, ठीक है। और गैस कितना है वो हमको दिखा देंगे आपको, कितना में गैस लिए है। और एक चीज़ यहाँ पर देखना है, जो ये आपका भी होता है ना, ये जो आपका भी रहेगा, ये पहले इसको टच करेंगे तो ये जो टंगस्टन होता है प्रॉपरली एकदम एज तक पहुँच रहा है, वो आपको ध्यान देना। देखिए, यहाँ पर पूरा प्रॉपरली जो एज तक पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ अगर देखेंगे, देखिए ये पूरा एज तक जा रहा है, जी अंदर वाला जो इनसाइड का एज है वहाँ तक देखिए ये जा रहा है टंगस्टन। तो ये अगर ऊपर ही रह जाएगा, आपका टंगस्टन नहीं पहुँचेगा, तो आपका जो मूविंग है वो होगा नहीं, क्योंकि जो उसका फोर्स बनेगा, जो आपका फिलर गलेगा नहीं। इसलिए कभी भी पहले आप टॉर्च को ऐसे चला करके यहाँ से देखिए, ऐसे ऐसे आपको देखना है कि वहाँ पर आपका एज तक पहुँच रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसे आप मारते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात है, थोड़ा सा टंगस्टन इसमें हल्का ही बड़ा रखते हैं हम लोग, ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो पोरोसिटी मारेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं आखिर क्या हो रहा है कि नहीं, इसमें मूविंग को कैसे मारा जाता है। तो हम अभी इसको स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो टंगस्टन है हम लोग 4 से 5 mm तक रखा है। तो इसमें रूट मारने के लिए ज़्यादा टंगस्टन बड़ा मत करिए, जब आपका रूट ख़त्म हो जाएगा, जब फिलअप करेंगे उस टाइम थोड़ा सा आप 1 mm और बढ़ा सकते हैं। अगर 4 mm में आप रूट मारते हैं तो फिर फाइनल के लिए या फिर फिलअप के लिए आप 5 mm तक रखिए, और हल्का है और एक पॉइंट या फिर 2 पॉइंट गैस को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि टंगस्टन अगर बड़ा करते हैं तो गैस भी थोड़ा सा उस हिसाब से बढ़ाना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो गैस का इस्तेमाल करते हैं 24-13 का नोजल के लिए, इसमें हम लोग 7 से लेकर के 10 तक गैस को रखते हैं, उसमें थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, आपका आइडिया के अनुसार इसमें ले लेंगे गैस, इसमें थोड़ा कम बेसी चलता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर को पहले आप टाइट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो छोटा वाला आपको बॉल दिख रहा है, जो ये यहाँ साइड में देख सकते हैं, तो इस बॉल को ना आपको वही 7 से 10 के अंदर में रखना है, ठीक है। तो अगर आप दूसरा नोजल इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी रूट चल रहा है साइड में, तो रूट अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो हम रूट मारे हैं, कभी कभी इसमें साइड से एक साइड में फिलर को टच करके दिया है, कभी कभी इसमें अंदर से डाल के फिलर देते हैं। तो रूट मारने के बाद थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि रूट में मूविंग थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसमें देख सकते हैं, जो आप रूट जब आपका हो जाएगा उसके बाद में जब आप फिलअप करने के लिए जाएंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इस टाइप का देखिए यहाँ पर ग्रुप टाइप का बन जाता है, जब फिलअप आप मारेंगे तो उसमें क्या होता है, आपका नोजल इधर उधर जाता नहीं, वो एकदम ग्रुप में बैठ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होता है जब आप इसको फिलअप कम्प्लीट कर देंगे। तो फिलअप कम्प्लीट करने के बाद इसमें जब फाइनल करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप एक काम करिएगा, जब आप फिलअप करते हैं, मान के चलिए आप रूट मार लीजिए, रूट मारने के बाद में थोड़ा सा आप उसको गैप को मेंटेन करिए, मतलब अगर रूट मार दिए तो कम से कम 10 से 15 मिनट उसमें रेस्ट कर दीजिए, तो उसको जॉइंट को होल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें हीट कम हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए,
उसके बाद ही आप उसमें आप फिलअप चालू करिए, क्योंकि अगर तुरंत उसमें मारेंगे तो आपका टॉर्च जो है ना स्लिप होने का चांस रहता है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका फिलअप हो जाएगा जॉइंट में तो आपको क्या करना है, फिलअप होने के बाद फिर आपको 15 से 20 मिनट तक उसमें रुकना है, उसके बाद ही आपको मारना है। आप कंटिन्यू अगर मारते रहेंगे, आप रूट मार दिए फिर फिलअप मार दिए फिर फाइनल करते हैं, तो क्या होगा, टॉर्च जो है ना स्लिप हो जाएगा, क्योंकि वो जो आपका ट्यूब होता है या फिर पाइप जिसमें आप मार रहे हैं वो ओवर हीट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर उसमें अगर बड़ा डाया है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 10 मिनट भी आप वेट करेंगे चलेगा, लेकिन आप 2 इंच में मारते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे, ये जो मूविंग वेल्डिंग होता है ये ज़्यादातर आपका रिफाइनरी हो गया या फिर स्टील प्लांट हो गया, ठीक है, या फिर कहाँ पर आपका अगर जॉब आपका फैब्रिकेशन का है तो वहाँ पर भी इस टाइप का मूविंग चलेगा, क्योंकि मूविंग मारने के लिए थोड़ा सा फ्री स्पेस जगह चाहिए। देखिए, बॉयलर में हम लोग जो काम करते हैं तो बॉयलर में मूविंग के लिए उतना स्पेस नहीं रहता है, क्योंकि बहुत एकदम जगह जो होता है आपका स्पेस बहुत कम होता है, तो वहाँ पर मूविंग हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका उतना जगह है नहीं। तो इसमें ज़्यादातर बॉयलर में आपका हैंड टच ही चलता है, लेकिन अगर आप टीजी में, अगर बॉयलर में आप टीजी में काम करते हैं तो उसमें आपको मूविंग का बहुत सारा काम मिल जाएगा, क्योंकि उसमें एलपी लाइन का काम आता है, ठीक है, थोड़ा फ्री जॉब भी रहता है, तो इस टाइप के इसमें जॉब आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से मैंने फिलअप को कर दिया है, तो अभी दूसरे साइड हमने फिलअप को स्टार्ट किए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी मूविंग कर रहा है, तो टॉर्च को एकदम हाथ से थोड़ा सा लपेट लिए हैं ताकि टॉर्च हमारा इधर उधर टच ना हो जाए, टॉर्च को थोड़ा सा फ्री हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो नीचे पोजीशन में देखिए कैसे हम लोग मार रहा है इसमें, तो गैस हमने थोड़ा सा ही बढ़ा लिया था, जितना रूट मारे उससे थोड़ा सा गैस को हल्का बढ़ा लिए थे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें अभी फाइनल कम्प्लीट हो चुका है, ये 2 इंची का ट्यूब है, तो उतना अच्छा खास इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपका बड़ा इसमें मारेंगे 8 इंची हो गया 6 इंची हो गया, इसमें अगर आप मारते हैं तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा इसमें फिनिशिंग आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का फिनिशिंग आएगा, लेकिन 2 इंच में उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। तो अगर आप इस टाइप का मारते हैं तो मल्टी राउंड अगर मारते हैं तो एक राउंड आप मार दीजिएगा, उसके बीचों बीच फिर जब आप दूसरा चढ़ाएंगे तो उसको बीच सेंटर में फिर से आपको उधर से मारना है। ठीक है, मतलब आप एक साइड में हो जाएगा, मतलब एक बार मार देंगे फिर उसका दूसरा जो मिडिल रहेगा उसमें तक आपको टच करना है, इस टाइप में इसमें मल्टी राउंड में मारा जाता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो बात आता है, आखिर आप मूविंग क्यों सीखेंगे, मूविंग क्यों मारेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए, मूविंग इसलिए मारना पड़ेगा, अगर आप विदेश जाते हैं तो ज़्यादातर उसमें आपका मूविंग का ही जॉब चलता है, क्योंकि विदेश में दुबई हो गया, कुवैत हो गया, जहाँ पर भी आपका विदेश के लिए वैकेंसी आता है, तो जहाँ टेस्ट, यहाँ पर हम लोग जब इंडिया में इसका टेस्ट होता है तो वहाँ पर भी हैंड टच मारने के लिए थोड़ा सा मना ही करता है, वो लोग बोलता है तुमको मूविंग मारना है। ठीक है, तो मूविंग इसीलिए आपको मारना चाहिए, और मूविंग अगर आप मारते हैं तो थोड़ा आपका जो फिनिशिंग होता है बहुत अच्छा लगता है दिखने में। अगर आपका फिनिशिंग अच्छा होगा तो आपका क्वालिटी भी अच्छा होगा, तो क्वालिटी अच्छा होगा तो आपका रेट भी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मूविंग हम कहेंगे आप मूविंग भी सीखिए, लेकिन शुरू में ही आप मूविंग नहीं कर पाएंगे, शुरू में आप हैंड टच प्रैक्टिस करिए, जब हैंड टच आप अच्छा से मारना सीख जाएंगे तभी आप मूविंग स्टार्ट करिए, मूविंग मारने के लिए सीखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो का दिल से पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।